हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीव जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीबीएसई ने आज 10th क्लास और 12th क्लास की जो हमारी डेट शीट है उसको जारी किया है। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले वीडियो बनाई थी उसमें 10th क्लास की जो डेट शीट थी उसको बताया था आपको, कब आपका एग्जाम है और कब आप के एग्जाम फिनिश होंगे। अब हम 12th क्लास की जो मार्कशीट है बच्चों उसको देखेंगे। जैसे मैंने बताया यहाँ पे लेटेस्ट सीबीएसई में डेट शीट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 क्लास 10th है, क्लास 12th है। तो चलिए हम क्लास 12th की जो मार्कशीट नहीं डेट शीट आई है, डेट शीट को एक बार ओपन करते हैं, देखते हैं कब से स्टार्ट हैं, कब आपके फिनिश होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अब जो 12th है आपकी क्लास 12th है, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी हम इसको बोलते हैं, तो आपके एग्जाम है बच्चों 4 मई से। आपके 10th क्लास और 12th क्लास के दोनों के एग्जाम बच्चों आपके 4 मई से स्टार्ट हैं। अब यहाँ पे क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट। यदि हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ बच्चों मॉर्निंग शिफ्ट दे रखा है और आफ्टरनून शिफ्ट है, आपके दो शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे। तो यहाँ हमें जब इसको देखते हैं तो देखेंगे भाई जो हमारा 4th मई है, इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर, आपका सब्जेक्ट कोड भी दे रखा है जैसे हमने 10th क्लास में देखा था, 4 मई से स्टार्ट है, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है। 4 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में कोई भी एग्जाम आपका नहीं है। ऐसे ही 5 मई में इवनिंग शिफ्ट में कोई नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 5 मई में आपके ये एग्जाम। सब देखेंगे जो बच्चों आपके 12th क्लास की जो आपकी डेट शीट आई है ना, तो इसमें आपके आर्ट्स कॉमर्स है, जो आपके मेडिकल नॉन मेडिकल सभी की डेट शीट आई है। ऐसा नहीं है कि एक की आई है, तो सभी कोर्सेज जो आपके हैं उसकी डेट शीट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको ध्यान जरूर रखना बच्चों, मॉर्निंग है, आफ्टरनून शिफ्ट है, कब है। अब देखेंगे जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो तो भाई 10:30 से 1:30 बजे तक है आपकी, और जो आफ्टरनून शिफ्ट है वो 2:30 बजे से 5:30 बजे आपकी फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे सभी, जैसे देखें भाई एग्जाम्स हैं, आपके एग्जाम्स कब खत्म होंगे, आपके एग्जाम्स हैं बच्चों लास्ट, यदि हम एग्जाम देखें 11 जून को है, किसको है 11 जून 2021 को आपका लास्ट वन एग्जाम है, 4 मई से आपके स्टार्ट होंगे। तो यहाँ देखते हैं नीचे क्या बोल रहा है कि भाई जो क्लास 12th एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट, बिल्कुल 2 शिफ्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट शेड्यूल एग्जामिनेशन है, चलिए एक मिनट देखते हैं क्या बोल रहा है उसने कि भाई जो फर्स्ट शिफ्ट में शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट शिफ्ट है बच्चों 10:30 से 1:30 बजे तक, और जो सेकेंड शिफ्ट है बच्चों वो है 2:30 से 5:30 बजे तक। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर बुक ऑफ टू द कैंडिडेट्स, अब भाई जो हमारी मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें आंसर बुक आपको कब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अब यहाँ पे 10:30 बजे से जैसे एग्जाम है तो आपको 10 से 10:15 के बीच में आपको जो आंसर बुक है वो आपको दे दी जाएगी। ऐसे जो इवनिंग शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या जो हमारी बच्चों आफ्टरनून शिफ्ट है उसमें आपको जो आंसर बुक है वो दी जाएगी, आपको 2 से 2:15 के बीच में दे दी जाएगी। तो यहाँ पे आपकी ये इंडिकेशंस हैं, आपको जैसे कोरोना का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 10:30 मॉर्निंग शिफ्ट, 2:30 आफ्टरनून शिफ्ट, कैंडिडेट विल स्टार्ट राइटिंग दी एग्जामिनेशन, बिल्कुल जो आपको पता है। अब और फिर भी यदि कोई भी अपडेट है तो आप किसी भी अपडेट के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.cbse.nic.in, वहाँ पे आप जाके इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे डेट आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी 2021 को हमारी 10th और 12th क्लास की आपकी डेट शीट आई है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो ऐसे ही जो और भी कोई अपडेट आती है बच्चों CBSE के रिगार्डिंग या किसी भी कोई भी नई वैकेंसी निकलती है आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो बच्चों कब से स्टार्ट है मैं दोबारा फिर बताना चाहूँगा, 4 मई से स्टार्ट और 11 जून को आपका लास्ट एग्जाम है। तो बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।